सत्य के साथ। युवा, दूरदर्शी और जनता के दुलारे मुख्यमंत्री, देश के सबसे हैंडसम सीएम का खिताब जीतने वाले, करिश्माई जीत से इतिहास बनाने वाले, सैनिक पुत्र से पहाड़ पुत्र बनने वाले मुख्य सेवक का नाम है पुष्कर सिंह धामी। एक वर्ष के शानदार शासनकाल की उपलब्धियां बेमिसाल हैं। उत्तराखंड सरकार के जनहितकारी फैसलों, विकास योजनाओं और सख्त कानून से राज्य खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। विकास की रफ्तार को तेज करते हुए धामी सरकार का अगला पड़ाव है सर्वोत्तम राज्य का निर्माण, यानी साल 2025 का वो दिन जब प्रदेश मनाएगा स्थापना का रजत जयंती समारोह। 23 मार्च 2022 को जब पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे थे, उस दिन देवभूमि में कई इतिहास भी बन रहे थे। आज अपनी काबिलियत और जनसेवा की बेमिसाल उपलब्धियों पर खड़े इस युवा मुख्यमंत्री की पहचान न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में तेजी से उभरी है, जो उन्हें एक मंझे हुए राष्ट्रीय नेताओं की कतार में खड़ा करता है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, कुछ इसी जज्बे से भरा रहा है धामी सरकार का पहला एक साल, जो आज बन गया बेमिसाल, क्योंकि इस दौरान जो फैसले लिए गए वो पहाड़ की तरक्की में मील का पत्थर बन रहे हैं। 22 साल के इतिहास में पहली बार वो हुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। प्रदेश में नासूर बने नकल भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए देश में एक नजीर पेश की है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले लोगों को जेल में डाला है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा किया था, और खुद सीएम धामी ने न सिर्फ कमेटी का ऐलान किया बल्कि आज समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति जन प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, आम जन आदि से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है। प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अब 30% महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण देने का जो फैसला लिया था, उसे कानून बनाकर धरातल पर उतारने का कार्य भी इसी ऐतिहासिक एक वर्ष के बड़ी उपलब्धि में शामिल है। एक वर्ष के इस शानदार कार्यकाल में धामी सरकार ने सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण व संतुष्टि के मंत्र को आधार बनाकर पीएम मोदी द्वारा देश में प्रारंभ की गई सुधारों की एक लंबी श्रृंखला को देवभूमि उत्तराखंड में भी लागू करने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन आदि सुधारों के द्वारा कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार किया है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 प्रदेश को दिया, और प्राप्त शिकायतों पर तेजी से गंभीरता पूर्वक कार्यवाही भी की जा रही है। राह लंबी है, डगर कठिन है, लक्ष्य दूर है, लेकिन संकल्प दृढ़ है, यही जज्बा दिल में भरकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकल्प रहित संकल्प के द्वारा उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने हम लम्हे को समर्पित कर रहे हैं। न्यूज वायरा समूह की तरफ से ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक वर्ष के शानदार शासनकाल की बधाई। सत्य के साथ।